सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बार ग्राफ के एक्सरसाइज देखी थी 3.3। बार ग्राफ के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होते हैं हम लोगों ने ये देखा था। बार ग्राफ बनाते कैसे हैं, रीड कैसे करते हैं, हम लोगों ने उनके बारे में डिस्कशन किया था। एंड आई होप आप लोगों ने उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस और भी सॉल्व किए होंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे कहा था कि आप सेल्फ सॉल्व करेंगे, एंड आई होप आपने किया भी होगा। ओके, वेरी गुड बेटा, जिन्होंने किया है वेरी गुड, बट जिन्होंने नहीं किया है या भूल गए हैं, मैं उनको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, बेटा अवेयर रहिए, अपनी चीज़ों से लापरवाही मत करिए। बेटा पढ़ते टाइम हमेशा फोकस रहना होगा आपको, और अपना वर्क डेली बेसिस पे कंप्लीट करना होगा बेटा, ठीक है? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर डे बाई डे क्या होता है, बर्डन इंक्रीज होता जाता है। तो उस बर्डन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज मत करिए, ठीक है? आप डे बाई डे एक स्टडी प्लान बनाइए और डे बाई डे आप उसे खत्म करते रहिए, ठीक है? तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है चांस, किसी चीज का आउटकम आना चांस, यानी कि किसी चीज के होने का चांस, यानी कि एक तरीके से हम लोग सीधे इसको क्या बोल देते हैं बेटा, संभावना। क्या बोल देते हैं? संभावना। ये एक संभावना वर्ड है, ठीक है? यानी कि प्रोबेबिलिटी, जिसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, जिसे कहते हैं कि चांस। अब एक्चुअल में ये संभावना या चांस क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? कि प्रोबेबिलिटी किस चीज की संभावना हो सकती है, होता है, नहीं होता है, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए, जैसे फेवरेबल आउटकम होते हैं, जैसे मैंने कहा आज मौसम बहुत गर्म है, ठीक है? आज एक्चुअल में मौसम बहुत गर्म है, यानी कि गर्मी बहुत ज्यादा है, और मैं ये कह रहा हूं कि आज बारिश हो जाएगी। तो मैंने कहा कि आज पानी बरसेगा, यानी कि रेन होगी। तो ये रेन क्या होगा, या तो रेन होगी, इज इट फिक्स, या तो रेन नहीं होगी। दो ही चीजें होंगी, या तो रेन होगी या तो रेन नहीं होगी। लेकिन अब यहां पर दो ही चीजें पॉसिबल है, तो यानी कि रेन होने के चांस और नहीं होने के चांस कितने कितने परसेंट है बेटा, 50-50% है। तो यानी कि 50% पॉसिबिलिटी है कि रेन हो और 50% पॉसिबिलिटी है कि रेन नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी यानी कि कितनी चांसेस हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी या चांस, ठीक है बेटा? अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी में कुछ ऐसे चांस होते हैं जो कि इम्पॉसिबल होते हैं, कुछ होते हैं जो कि एकदम सर्टेन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि आते तो हैं, हैपेंस तो होते हैं, बट सर्टेन नहीं होते हैं, ठीक है? अब जैसे यहां कुछ एग्जांपल्स गिवन है, कह रहा है द सन कमिंग अप फ्रॉम द वेस्ट। तो सन कमिंग अप फ्रॉम द वेस्ट, क्या कभी ऐसा होता है कि सन वेस्ट से निकल रहा हो? हमेशा ईस्ट से निकलता है ना बेटा, तो वेस्ट से तो निकलता नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, एकदम इम्पॉसिबल, ये कुछ भी नहीं पॉसिबल है, यानी कि ये एकदम इम्पॉसिबल है, ठीक है? सर्टेन नहीं है, चांसेस भी नहीं है, इम्पॉसिबल है, ठीक है? सेकंड कह रहा है एन आंट ग्रोइंग टू 3 मीटर हाइट। कह रहा है कि कोई आंट 3 मीटर हाइट तक ग्रो करे। अरे 3 मीटर की हाइट इंसानों की जल्दी नहीं होती है, ठीक है? नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की हाइट 3 मीटर नहीं होती है, तो आंट की, आंट तो हमारे कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है, तो ये भी एकदम इम्पॉसिबल सा फिर हो जाएगा। कह रहा है नेक्स्ट थर्ड नंबर, इफ यू टुक ए क्यूब ऑफ लार्ज वैल्यूम इट्स साइड विल आल्सो बी लार्जर। तो बेटा अगर तुम बड़े वैल्यूम के, ठीक है, कह रहा है बड़े वैल्यूम के क्यूब लोगे तो उसकी साइड भी बड़ी होगी। तो यस होगी भाई, जितना बड़ा वैल्यूम होगा उतनी बड़ी साइज होगी। तो यहां लिखोगे सर्टेन, ये एकदम सर्टेन है। नेक्स्ट इफ यू टेक ए सर्कल विद द लार्जर एरिया देन इट्स रेडियस विल आल्सो बी लार्जर, ये भी एकदम सर्टेन है। जितना बड़ा सर्किल होगा रेडियस उतनी बड़ी होगी। इंडिया विनिंग द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज, इंडिया नेक्स्ट टेस्ट सीरीज जीतेगी, ठीक है? तो सर्टेन चांसेस हैं बट सर्टेन नहीं है, कैन बी हैपन बट नॉट सर्टेन, ये हो भी सकता है लेकिन सर्टेन नहीं है, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है? तो इट कैन बी हैपन बट नॉट सर्टेन। तो इस तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से भी हम लोग चेक करते हैं, ठीक है बेटा? अब बात आती है चांसेस की, तो किसी चीज के अब कम होने की चांसेस, क्या वो चीजें हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। अब जैसे मान लो मैंने एक क्वाइन लिया, जैसे यहां पर आपको एक क्वाइन लेके समझा रहा है कि आपने एक क्वाइन लिया और क्वाइन को टॉस किया, ठीक है? अब आपने कितने बार क्वाइन को टॉस किया, 25 टाइम्स क्वाइन को टॉस किया। पहली बार टॉस किया तो हेड आया, दूसरी बार टॉस किया तो टेल, तीसरी बार टॉस किया तो टेल, चौथी बार टॉस किया तो हेड।
तो बेटा क्वाइन में दो ही फेस होते हैं, एक होता है हेड का और दूसरा होता है टेल का। तो आप जब भी क्वाइन को टॉस करेंगे दोनों में से कोई एक ही आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये दोनों कभी एक साथ तो आएंगे नहीं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो आपने 25 टाइम्स क्वाइन को क्या किया, सॉरी 25 टाइम्स आपने उसे टॉस किया, तो जितने टाइम्स हेड आएगा आपने हेड नोटिस किया, जितने टाइम टेल आएगा आपने टेल नोटिस किया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहां पर हेड और टेल आने के चांसेस इक्वल हैं, ठीक है, मतलब एक टॉस में इक्वल है, लेकिन 25 टाइम में ये कहोगे 25 टाइम में 15 टाइम्स हेड आएगा 20 टाइम्स टेल आएगा, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। यानी कि हेड या टेल कुछ भी आ सकता है और कितनी भी बार आ सकता है, यानी कि नंबर ऑफ चांसेस इसके फिक्स नहीं है कि कितनी बार हेड आएगा और कितने टाइम्स टेल आएगा, ठीक है, लेकिन आएगा तो हेड या टेल ये फिक्स है। तो आउटकम हमारे पास दो है लेकिन नंबर्स कितने हो रहे हैं वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो इसमें काफी टाइम्स हेड आ रहे हैं, काफी टाइम्स टेल्स आ रहे हैं, तो उसमें कुछ भी फिक्स नहीं है कि कब हेड आएगा कब टेल, लेकिन ये फिक्स है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है बेटा। तो हमें थोड़ा सा इस पे केयर करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कह रहा है ऐसे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया बारिश का कि आज बारिश होगी, तो दो ही चीजें होंगी, या तो बारिश होगी या तो नहीं होगी, दो ही चीजें पॉसिबल हैं, या तो पानी बरसेगा या तो नहीं बरसेगा। तो पानी बरसने और नहीं बरसने की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, दैट इज 100%, यानी कि 1, यानी कि 100%। तो अगर रेनी सीजन हुआ यानी कि पानी बरसा और पानी नहीं बरसा, ठीक है, यहां पर पानी बरसा और यहां पर नहीं बरसा, तो पानी बरसने और नहीं बरसने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50-50%, क्योंकि पानी बरस भी सकता है और नहीं भी, दो ही चीजें हो सकती हैं। तो ये 50% और ये 50%, पानी बरसने और नहीं बरसने की प्रोबेबिलिटी 50-50%, यानी कि इसको हम लोग नंबर्स में दिखाते हैं, 1/2 प्रोबेबिलिटी पानी की बरसने की है और 1/2 प्रोबेबिलिटी रेन नहीं होने की है। तो रेन होगी रेन नहीं होगी, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 50-50% है, देन इट मींस 1/2 एंड 1/2 की प्रोबेबिलिटी इनकी होती है, ठीक है बेटा, इज दैट क्लियर। तो थोड़ा सा हमें केयर करना होगा इससे रिलेटेड, बहुत सारे प्रैक्टिकल आप घर पे कर सकते हैं। आप एक क्वाइन लीजिए, टॉस करिए, नोट डाउन करिए, आपको कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेंगे, तो आपको वहां से चीजें क्लियर होती जाएंगी। आप डाइस ले सकते हैं, आप जो लूडो खेलते हैं उसका डाइस ले सकते हैं, उसको आप फेंकिए, आप बार बार देखिए कि उसमें कौन से नंबर्स बार बार आ रहे हैं, कौन से नंबर बार बार आ रहे हैं, आप 30 टाइम्स 100 टाइम्स 200 टाइम उसको फेंकिए और सारे डेटा नोट करिए कि 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3, 4, 5, 6 ये सब कितनी कितनी बार आ रहे हैं, ठीक है। तो इन सब का कुछ भी नंबर फिक्स नहीं है कि ये इतनी बार आएंगे, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी है कि ये इतना मिनिमम आएगा, ये इतना आएगा, ये इतना आएगा, लेकिन कुछ भी कभी भी कुछ भी आता है, ठीक है। ये सिर्फ हम प्रोबेबिलिटी यानी कि एक अनुमान लगाते हैं, संभावना होती है, बट यहाँ पर सर्टेन नहीं होता है कुछ, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, आगे कह रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा आगे हमसे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है ट्राई दिस, कह रहा है डू इन ग्रुप, कह रहा है टॉस 100 कॉइंस, ठीक है, टॉस अ कॉइन 100 टाइम्स एंड रिकॉर्ड द डेटा, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स हेड एंड टेल। तो आप कुछ मत करिए, आप केवल एक कॉइन को टॉस करिए, उसके कुछ डेटा रिकॉर्ड करने हैं, आपको केवल ये चेक करना कि कितने टाइम्स हेड आ रहे हैं, कितने टाइम्स टेल्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, रिकॉर्ड करनी है, ओके। आगे देखते हैं, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली बेटा प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज के आउटकम यानी कि कुछ आने की, आउटकम का मतलब आने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं, आने के चांसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोबेबिलिटी, क्या बोल देते हैं, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब हम यहां बात कर लेते हैं बेटा एक्सरसाइज 3.4 की। तो एक्सरसाइज 3.4 जो प्रोबेबिलिटी का है ये कैसे हो रहा है, आइए इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है Tell whether the following is certain to happen, कि इसमें से कुछ certain है होने के लिए, ठीक है, इसमें से कुछ certain है होने के लिए, कुछ impossible है, कुछ can happen but not certain, कुछ एकदम नहीं होगा, कुछ एकदम से हो रहा है और कुछ हो सकता है लेकिन certain नहीं है। तो आइए देखते हैं, पहला question कह रहा है इसमें You are older today than yesterday, यानी कि आज तुम पिछले दिन के से ज्यादा बड़े हो गए हो। तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे जैसे डे बाय डे निकलता जाता है हमारी एज बढ़ती जाती है, हम हर दिन एक दिन और बूढ़े होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो यानी कि यू आर ओल्डर टुडे,
देन यस्टरडे, मैं पिछले की अपेक्षा यानी कि लास्ट डे की बजाय मैं आज ज्यादा बड़ा हूं, तो दैट इज सर्टेन। ये क्या है बेटा? सर्टेन स्टेटमेंट है, ठीक है, सर्टेन टू हैपन, ऐसा होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट, अ टॉस्ड क्वाइन विल लैंड हेड्स अप। एक टॉस क्वाइन, अगर एक क्वाइन को टॉस करेंगे तो उसमें हेड्स आएगा, तो हेड्स आएगा ये फिक्स नहीं है, हेड्स आ सकता है ये जरूरी है। तो हम लोग कह सकते हैं कैन हैपन, हेड्स आ सकता है बट नॉट सर्टेन, लेकिन सर्टेन नहीं है क्योंकि उसमें टेल भी होता है, तो हेड्स के साथ साथ उसमें टेल भी होता है, तो हमें ये भी ध्यान देना होगा कि इट कैन बी हैपन बट नॉट सर्टेन। ओके बेटा, नंबर थ्री, अ डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विद द एट ऑन टॉप, तो इट इम्पॉसिबल। ये क्या हो जाएगा बेटा? इम्पॉसिबल होगा। क्यों इम्पॉसिबल होगा? क्योंकि डाइस में कितने नंबर होते हैं बेटा? डाइस में जो नंबर्स होते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर ही होते हैं। 1 से कम कोई नंबर नहीं होता, 0 भी नहीं होता 1 से, और फिर 6 से अबव कोई नंबर नहीं होता, यानी कि 7, 8, 9, 10 ये सब डाइस में एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो डाइस में ये सब नंबर नहीं है। तो हमसे कह रहा है कि अगर मैं किसी डाइस को टॉस करूं तो वो नीचे जब आएगा तो उस पर 8 नंबर टॉप पर आपको दिखाई देगा। तो क्या किसी डाइस में 8 नंबर होता है? तो नहीं होता है, तो ये एक इम्पॉसिबल है। ये क्या है बेटा? एक इम्पॉसिबल टर्म है, इम्पॉसिबल चांस है कि 8 आएगा भी डाइस में, क्योंकि डाइस मैक्सिमम 6 तक के नंबर लेता है, 7 लेता ही नहीं है। तो आपको इस क्वेश्चन को जैसे मान लीजिए हल्का सा टर्न करके दे दे कि ए डाइस व्हेन टॉस शैल लैंड ऑन अ नंबर ग्रेटर देन 6। आपको 6 तो लिखा है लेकिन बोल दिया ग्रेटर देन 6, यानी कि 6 से बड़ा कोई नंबर आए, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। आपसे कह दे लेस देन 1, तो क्या लेस देन 1 पॉसिबल है क्या डाइस में? नहीं। तो आपको केयरफुली केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज को बेटा एक बार पढ़ के समझना होगा, आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नेक्स्ट ट्रैफिक सिग्नल सीन विल बी ग्रीन। आप सिग्नल, आप रोड पे जा रहे हैं, पहला आपको सिग्नल दिखाई दिया कुछ भी रहा, कह रहा है दूसरा जो ट्रैफिक सिग्नल होगा वो लाइट सीन विल बी ग्रीन, वो वहां पे जो ट्रैफिक सिग्नल की लाइट होगी वो ग्रीन होगी। तो भाई ऐसा कंपलसरी तो नहीं है कि ग्रीन ही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यहां पे कहेंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है लेकिन सर्टेन नहीं है, क्योंकि अगर ट्रैफिक होगी तो भाई रेड लाइट, नहीं होगी तो ग्रीन लाइट, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो इट कैन बी हैपन बट नॉट सर्टेन। ओके, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, कि कल मौसम जैसा होगा, दिन कैसा होगा? क्लाउडी होगा। तो भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो देखो पहले तो सर्टेन हो, तो सर्टेन तो है नहीं, इम्पॉसिबल ये भी नहीं है, लेकिन ये हो भी सकता है और नहीं भी, तो हम लोग कह सकते हैं कि कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। याद रखिएगा बेटा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ये सब चीजें आराम से करिएगा। क्वेश्चन नंबर टू बेटा, There are 6 marbles in a box with number from 1 to 6. 6 marble है और हर एक marble पे 1 to 6 number लिखा है। कह रहा what is the probability of drawing a marble with number 2? Number 2 के marble को pick करने की probability क्या होगी? तो आइए देखते हैं pick करने की probability क्या होगी। तो देखिएगा बेटा, तो 6 मार्बल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां लिखा है 1, यहां लिखा है 2, यहां लिखा है 3, यहां लिखा है 4, दैट इज 5, दैट इज 6। अब आपने इसमें से रैंडम एक मार्बल उठाया और उस मार्बल पर 2 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो बेटा टोटल मार्बल आपको चूज कितने मार्बल में से करना है? 6 मार्बल में से चूज करना है, और चूज कितने मार्बल करने है? एक, यानी कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल है 6 और आपको चूज करना है कोई एक मार्बल, ठीक है? कितना चूज करना है? कोई एक मार्बल चूज करना है। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1, जितना आप चूज करना चाहते हैं, ठीक है, और अपॉन जितने फेवरेबल आउटकम्स होंगे, दैट इज 6। सो आपकी 2 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 1, क्योंकि आप एक ही मार्बल उठाएंगे, ठीक है? ओके, तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 होना चाहिए, तो 1, और टोटल मार्बल्स कितने हैं? 6, तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आ गई बेटा? 1/6, यानी कि 2 के उठने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। आगे देखते हैं बेटा, आगे कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विद नंबर 5। तो नंबर 5 भी एक ही है इसमें,
एक ही है, तो नंबर 5 वन टाइम्स और अपॉन 6, ओके। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बेटा, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा केयरफुली करेंगे तो आगे समझिएगा कि 3 को करते कैसे। अ क्वाइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड व्हिच टीम स्टार्ट द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। तो बेटा क्वाइन को अगर हम टॉस करेंगे तो क्या चीजें आएंगी, दो चीजें आएंगी। क्वाइन को हमने टॉस किया तो या तो हेड आएगा क्वाइन में, या क्या आ जाएगा बेटा, टेल। इन्हीं दोनों में से कुछ आना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो अगर दो टीम में से डिसाइड करना है कि पहले चांस कौन लेगा, तो हमने क्वाइन को टॉस किया और किसी टीम ने कुछ बोला, चाहे हेड बोला चाहे टेल बोला, ठीक है। अब होता क्या है कि हेड और टेल मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम आउटकम कितने बेटा, दो ही फेस है इसके, दो ही आउटकम होंगे, ठीक है, या तो हेड आएगा या तो टेल। तो 50% चांस है हेड आने का और 50% चांस है टेल आने का। तो अगर चांसेस 50% है तो अगर मान लो कोई एक ही आएगा, वन आएगा, फिर टोटल फेस कितने हैं, टू। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी है हेड आने की और 1/2 प्रोबेबिलिटी है किसकी, टेल आने की। तो यानी कि किसी एक टीम के जीतने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो भी टीम टॉस को विन करना चाहेगी वो या तो हेड कॉल करेगी या तो टेल कॉल करेगी, तो उसकी कॉलिंग के अकॉर्डिंग दोनों की प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। तो उन्होंने कुछ भी कॉल किया लेकिन हेड भी अगर आ रहा है तो 1/2 प्रोबेबिलिटी है, टेल की भी 1/2 है, तो यानी कि टीम के टॉस को विन करने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी बेटा, 1/2। क्या होगी बेटा, 1/2 प्रोबेबिलिटी हो गई। तो हमें बेटा इस पे थोड़ा सा फोकस करते हुए काम करना होगा, क्योंकि अगर हम हल्की सी भी लापरवाही करेंगे तो ये पूरा चैप्टर हमारा गड़बड़ हो जाएगा, और स्पेशली प्रोबेबिलिटी, ओके। आगे देखिएगा, आगे ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया लेकिन आपको फिर भी मैं कुछ और क्वेश्चन बताता हूँ। देखिएगा, जैसे मान लीजिए अभी 6 मार्बल्स के क्वेश्चन थे, ये पहला मार्बल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवा, ये 6 मार्बल हैं। अब आपसे एक एक मार्बल, हर एक मार्बल चाहे 1 उठाओ चाहे 2, आपसे कहे कोई नंबर मार्बल उठाना है तो क्या प्रॉबिलिटी है कि वो 1 आए, 1/6, 2 आने की प्रॉबिलिटी, 1/6, 3 आने की, 1/6, 4 आने की, कोई एक नंबर। अब आपसे कह दिया प्रोबेबिलिटी ऐसे इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर का मार्बल आपके पास आए, इवन नंबर मार्बल आप गेट करें, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इवन नंबर का मार्बल गेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल मार्बल कितने हैं बेटा, 6, कितने हैं इवन नंबर के, 1, 2, 3, ये 3 मार्बल्स हैं जो कि इवन नंबर के हैं, तो इन तीनों में से कोई भी उठ सकता है ना, तो टोटल मार्बल कितने हैं, 3, ठीक है। ये 3 मार्बल ऐसे हैं जो कि इवन नंबर के, इवन नंबर के मार्बल्स कितने हुए, 3, और टोटल मार्बल कितने हो गए बेटा, 6। अब इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 1/2, यानी कि इवन नंबर के मार्बल को पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई बेटा, 1/2। इसी तरीके से ऑड की भी आएगी, क्योंकि ऑड भी 3 है, पहला ऑड, दूसरा ऑड और ये तीसरा ऑड, ऑड की भी 3 आ रही है, सो दैट इज 1/2 आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चंस आएंगे तो थोड़े अच्छे लेवल के होंगे, तो इनको आपको ट्राई करना होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि जब तक आप ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया, मोर देन 2 आने की प्रोबेबिलिटी, नंबर्स जो आप पिक कर रहे हैं मार्बल्स में उसमें मोर देन 2 आए, 1 और 2 ना आए, 2 से ज्यादा आए, तो 2 से ज्यादा कितने नंबर हैं, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो टोटल कितने हुए, 4, 4 से 2 से अबव 4 ही आ सकते हैं, और टोटल आउटकम कितने हैं, 6, दैट इज 2 अपॉन 3, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, 2/3 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा फोकस होना होगा बेटा, क्योंकि अगर हमें अपनी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को अच्छे से लगाना है तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ओके बेटा। तो बी केयरफुल, आप क्वेश्चंस ट्राई करिए, आपके अगर आपके पास कोई साइड बुक है तो आप अपने साइड बुक के क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हैं, ओके। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, ओके। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इस पूरे चैप्टर में, इस डेटा हैंडलिंग के पूरे चैप्टर में, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है और बहुत ही मार्क गेनिंग चैप्टर होता है। इससे जो क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा वो ज्यादातर अच्छे नंबर्स के क्वेश्चंस होते हैं।
तो अगर हमें डेटा हैंडलिंग इजी लगती है तो हम डेटा हैंडलिंग से बहुत अच्छे नंबर गेट कर सकते हैं, वो भी बहुत इजी वे में गेट कर सकते हैं। तो हमें कोशिश यही करनी है कि इस चैप्टर के एक भी क्वेश्चन हमारे ना छूटे। यहाँ तो एक्सरसाइज आप कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप ट्राई करेंगे कि इसके एग्जाम्पलर सोल्यूशन भी करें, उसको भी ट्राई करें, उसको भी सॉल्व करने के लिए ट्राई करें, तो उससे आपके क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आपको अच्छे क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड्स मिलते जाएंगे और आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का टाइम है वो इंक्रीज होगा और आप मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आप अपनी एक्यूरेसी की तरफ भी आएंगे, तो वो आपके लिए बेटा बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आप ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करिए और उनके क्वेश्चंस भी ट्राई करिए। अगर आपके पास कोई भी साइड बुक है तो आप अपनी साइड बुक जरूर प्रेफर करिए। ओके बेटा, तो ये चैप्टर बेटा यहाँ पर एंड होता है। ओके, अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आके बेटा कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।